स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज के इस लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम एपी के रिगार्डिंग करेंगे, जिसे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी भी हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपीज आर इन रेशियोज, मतलब एपीज का मतलब है दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं जिनकी रेशियो कह दी हुई है 3n+8 एंड रेशियो 7n+15 और फाइंड द रेशियो ऑफ 12th टर्म। हमने दो एपी की 12th टर्म की रेशियो निकालनी है, क्या होगी, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखेंगे। अब क्या करोगे, दो एपीज हैं, लेट A1 एंड B1 बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी। मैंने A1 और D1 को फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लिया। इसी तरह से A2 एंड D2 बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी, ये दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, SN ऑफ फर्स्ट एपी रेशियो SN ऑफ सेकेंड एपी, किस रेशियो में दिया हुआ, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, दैट इज 3n+8 ओवर 7n+15। अब हम क्या करेंगे, SN हमें पता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, n/2 इंटू 2a, a का मतलब है फर्स्ट टर्म के लिए a1 प्लस n-1 इंटू d1। इसी तरह से सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी n/2 2a+2 2a2 इंटू n-1 इंटू d2 इक्वल टू 3n+8 ओवर 7n+15। तो आपके पास हमने यहां फॉर्मूला यूज कर लिया, n/2 से n/2 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 ओवर 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल टू 3n+8 ओवर 7n+15। और लेफ्ट हैंड साइड में मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को, 2a है तो 2 से कैंसिल करूंगा तो a1 रह जाएगा और यहां पे a2 रह जाएगा। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस n-1 ओवर 2 इंटू d1 ओवर a2 n-1 ओवर 2 इंटू d2 और राइट साइड में एज इट इज 7n+15। तो ये चीज आ गई। अब हमने रेशियो किसकी निकालनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ 12th टर्म, और 12th टर्म हमें पता है किसके बराबर होती है, 12th टर्म जिस 12th टर्म होती है a+11d, nth टर्म क्या होती है a+n-1 इंटू डी। इसी तरह से 10th टर्म निकालते हैं तो क्या होता है a+9d, 50th टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा a+49d। तो यहां पे 12th टर्म बात कर रहा है तो 12th टर्म कब आएगी, जब a1+11d1 आएगा यहां पे, तो मतलब n-1 ओवर 2 किसके बराबर होना चाहिए, 11 के बराबर। अगर यहां पे रेशियो ऑफ 15 टर्म पूछी होती तो n-1 ओवर 2 कितना होना चाहिए था, 14 के बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, therefore n-1 ओवर 2 इक्वल टू 11 के बराबर। तो यहां से हम n निकालेंगे तो क्या आएगा, 22+1, दैट इज n इज इक्वल टू 23। तो जब n 23 होगा तो ये 12th टर्म बनेगी ऊपर भी और नीचे भी एपी की, यानी कि अगर 23 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, therefore a1+11d1 ओवर a2+11d2। अब यहां पे 23 पुट करेंगे, 23 इंटू 3 69 प्लस 8 7 इंटू 23 प्लस 15, तो ये क्या आ गया, 12th T12 ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी की ये 12th टर्म है और ये T12 ऑफ सेकेंड एपी, मतलब दोनों एपीज की 12th टर्म, फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी। तो ये कितना आ गया,
77 और इसको मल्टीप्लाई किया 21 14 14 एंड 16 और 16 में से 15 176 तो रेशियो ये आ गया आपका रेशियो ऑफ द 12th टर्म। जो क्वेश्चन पूछा आपके पास कि फाइंड द रेशियो ऑफ 12th टर्म की रेशियो कितनी आएगी 77/176 इसको अगर आप 11 से डिवाइड भी कर दो तो क्या आएगा दैट इज 7/16 डिवाइड करके 77/176 लिखो तभी वही बात है 11 से डिवाइड कर दिया तो दैट इज 7/16 द रेशियो ऑफ द 12th टर्म ऑफ टू एपीज जिसके सम ऑफ एन टर्म्स की रेशियो ये है तो उसके 12th टर्म की रेशियो क्या होगी 7/16। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन इन दो नंबर्स के बीच में हमने 3 और 24 के बीच में 6 अर्थमेटिक मीन बताने की कौन से हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन क्या होता है एएम शॉर्ट में लिखते हैं इसको हम अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स मान लो टू नंबर्स ए एंड बी आर अगर इसके बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है तो वो हमेशा याद रख लो क्या होता है दोनों नंबर्स को ऐड करो एंड डिवाइड बाय 2 दैट इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन निकालना है इसके बीच में तो ये आएगा लेकिन 6 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं तो कैसे निकालने हैं वो आप देखोगे। अब इस क्वेश्चन में कैसे करना है आपने आपने कहना है लेट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स आर द 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 24 मान के चले हम 3 और 24 के बीच में ये 6 अर्थमेटिक मीन है अगर ये 6 अर्थमेटिक मीन है तो क्या होना चाहिए ये इसके बीच में है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स एंड 24 आर एन अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो ये सारी चीज ये जो बन रही है सीक्वेंस आर एन एपी तो ये चीज एपी में है क्योंकि 3 और 24 के बीच में ये 6 अर्थमेटिक मीन है अगर इनको हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं ऐसे करके तो ये सारी टर्म्स किसमें होंगी एपी में होंगी तो ये एपी सीक्वेंस बन रहा है तो एपी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या आ रही है फर्स्ट टर्म आ रही है आपके पास ए दैट इज इक्वल टू 3 फर्स्ट टर्म है और ये कौन सी है लास्ट टर्म तो लास्ट टर्म है किसके बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 24 कौन सी टर्म है 8th टर्म टी एट किसके बराबर होता है ए प्लस 7d किसके बराबर आ गया 24 के बराबर। अब ए हमें ऑलरेडी पता है 3 प्लस 7d इज इक्वल टू 24 7d इज इक्वल टू 21 एंड d इक्वल टू 3 और d की वैल्यू भी क्या निकाल लिया आपने 3 के बराबर। अब a भी पता चल गया d भी पता चल गया अब हमने क्या निकालना है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन दैट इज a1 है कौन सी टर्म आपके पास पहली a1 कौन सी टर्म है दूसरी तो दूसरी टर्म किसके बराबर होती है a प्लस डी तो ए भी पता है आपको और डी भी पता है आपको तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या हो गया 6। इसी तरह से सेकंड अर्थमेटिक मीन निकालते हैं ए1 कौन सी टर्म है ये तीसरी टर्म और तीसरी टर्म किसके बराबर होती है ए प्लस 2d ए पता है इसकी वैल्यू पुट की तो सेकंड अर्थमेटिक मीन आ गया प्लस 9। इसी तरह से a3 कौन सा है टर्म है 1 2 3 फोर्थ टर्म है फोर्थ टर्म किसके बराबर होती है ए प्लस 3d 3 प्लस 9 दैट इज 12। इसी तरह से a4 ए प्लस 4d कौन सी टर्म है ये फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म है यहां पर तो क्या आएगा 3 प्लस 12 दैट इज d की वैल्यू और a की वैल्यू पुट की तो 15। फिर इसी तरह से a5 a प्लस 5d सिक्स टर्म आपके पास है तो कितना आ गया 3 प्लस 15 दैट इज 18। इसी तरह से a6 ये कौन सी टर्म है 7th टर्म है तो a प्लस 6d 3 प्लस 18 दैट इज 20। तो 6 अर्थमेटिक मीन 3 और 24 के बीच में क्या होंगे वो ये आएंगे 6 9 12 15 18 एंड 21। तो आपके पास 6 अर्थमेटिक मीन पूछे तो ये आएंगे 6 की जगह 10 अर्थमेटिक मीन भी पूछ सकता है 2 अर्थमेटिक मीन भी पूछ सकता है
15 अर्थमेटिक में जितने मर्जी अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स के बीच में निकालो, उनका निकालने का तरीका ये होता है। इस तरह से निकालोगे तो आप प्रॉपरली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है एन अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड। पहले तक क्या था, सिर्फ 6 अर्थमेटिक मीन थे, अब क्या एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हमने 3 और 17 के बीच में। सिमिलर क्वेश्चन ही है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस, सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट मीन, जो फर्स्ट मीन और लास्ट मीन है उसकी रेशियो भी दी है, अग्रस वन रेशियो 3, और आपने फाइंड करना है कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या करना है आपने, वैसे ही पहले कितने अर्थमेटिक मीन है, एन अर्थमेटिक मीन, लेट ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन ए एन आर द एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 17। मान के चले हम लेट ये एन अर्थमेटिक मीन है दो नंबर्स के बीच में, therefore 3 a1 a2 a3 अप टू सो ऑन ए एन एंड 17 इनके बीच में ये एन अर्थमेटिक मीन आर एन एपी, ये एपी बनाएंगे सीक्वेंस, ये एपी में होगा आपके पास। अगर ये एन अर्थमेटिक मीन इनके बीच में है तो ये सारी टर्म जो है वो एपी में होगी आपके पास। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म इसे लिखते हैं हम ए से, तो किसके बराबर है 3 के बराबर, और ये लास्ट टर्म है आपके पास। अब लास्ट टर्म है कौन सी, जैसे पीछे किया था हमने 6 अर्थमेटिक मीन थे तो ये 8वीं टर्म थी, लेकिन यहां पे एन अर्थमेटिक मीन है बीच में तो ये एक टर्म और जुड़ गई, ये एन है एक टर्म और जुड़ गई, एन प्लस वन एक और जुड़ गई, तो ये कौन सी टर्म हुई है, एन प्लस टू टर्म हुई है आपके पास। तो ये कौन सी, टी एन प्लस टू, तो किसके बराबर होता है टी एन प्लस टू, ए प्लस एन प्लस वन इन टू डी इसके बराबर होता है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है 17 के बराबर। तो ये ध्यान रखना है आपने, कई बार आप क्या ले लेते हो, ये एन है एन प्लस वन ले लेते हो, एन प्लस वन लोगे तो ये गलत हो जाएगा, एन प्लस वन कब होगा अब ये टर्म नहीं होगी तो ये एन प्लस वन है, लेकिन ये टर्म भी है साथ में, तो ये टोटल टर्म यहां तक काउंट करोगे, जैसे ये पहली टर्म है ये दूसरी टर्म है ये तीसरी टर्म है तो अगली टर्म चौथी है, इसी तरह से गिनते हो तो ये एन प्लस वन आएगी और ये एन प्लस टू टर्म हो गया, और एन प्लस टू टर्म किस तरह होती है ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी। अब यहां से हमें ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पुट कर देंगे 3 plus n plus 1 into d = 17, एन डी प्लस डी इक्वल टू 14, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहां पे हम यहां पे कोई एक वैल्यू निकालेंगे और आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी हमने ए की वैल्यू भी पता चल गई, एन और डी की वैल्यू पता चल गई। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, आगे कह दिया सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन कौन सा है ए वन, और लास्ट मीन कौन सा है ए वन है, द रेशियो ऑफ द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ए वन रेशियो ए एन, किस रेशियो में दिया हुआ है 1:3 में। अब फर्स्ट मीन जो है ये वाला फर्स्ट मीन कौन सी टर्म है, ये सीक्वेंस की कौन सी टर्म है पहली, और ये कौन सी टर्म है दूसरी, तो दूसरी टर्म किसके बराबर होती है ए प्लस डी के बराबर, और ये एनथ मीन जो है वो कौन सी टर्म है सीक्वेंस की, ये टोटल देखा जाए एक टर्म ये ऐड हो जाएगी तो ये क्या होगी, जैसे ए वन है तो ये सेकंड टर्म है, ए टू है तो ये थर्ड टर्म है, ए थ्री है तो ये फोर्थ टर्म है, तो एन है तो ये कौन सी टर्म हुई एन प्लस वन टर्म, एन प्लस वन टर्म किसके बराबर होगी ए प्लस एन डी, ए प्लस एन डी के बराबर होता है एन प्लस वन टर्म। अब यहां से हमें वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक वैल्यू पुट कर देते हैं 3a + 3d = a + nd, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a की वैल्यू हमें पता कितनी है 3 है, 3 3 9 प्लस 3d = 3 + nd। अब यहां से मैं nd की वैल्यू निकाल दू, nd की वैल्यू क्या आएगी, nd की वैल्यू 14 - d, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 14 - d, और d की वैल्यू को एक तरफ ले आओ 3d + d 14 3 17 - 9, तो ये कितना हो गया 4d = 8 d = 2, तो हमने d की वैल्यू भी निकाल दी, हमें a पहले से पता है और d हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या पूछा हुआ है,
फाइंड एन, तो एन निकालना इजी सा काम है। इस इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर दो, इसको वन मान लो, पुट डी इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। एन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है टू, प्लस टू इक्वल टू फोर्टीन, टू एन इज इक्वल टू टू इधर गया ट्वेल्व और एन डिवाइडेड बाई टू किया तो ये क्या हो गया सिक्स, तो एन की वैल्यू क्या आएगी सिक्स। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपको तो आप उसको इस तरह से इवेल्युएट करते हैं। अब हम कुछ और करेंगे, जिससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सम ऑफ टर्म्स जब एपी में दिया होता है, कई बार एपी में टर्म्स होती है उसका सम गिवन होता है, जब सम ऑफ द टर्म्स गिवन होता है तो हमने टर्म्स क्या कंसिडर करनी होती है, ध्यान रखना हमें, व्हेन सम ऑफ टर्म्स इज नोन, जब सम ऑफ टर्म्स नोन होता है आपके पास, जब आप जानते हैं कि सम ऑफ टर्म्स क्या दिया हुआ, तो फॉर थ्री टर्म्स तो तीन टर्म्स आप क्या मानोगे, a माइनस डी, a प्लस डी, ये तीन टर्म्स आप लेट करोगे जब भी मानोगे, जब सम नोन है तो तीन टर्म्स ये मानोगे, तीन टर्म्स का सम नोन है, अगर फोर टर्म्स भी और फोर टर्म, तो फोर टर्म्स के लिए क्या लोगे आप, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री, तभी आएगा। फॉर फोर टर्म्स कंसिडर करोगे जब सम नोन है तो ये टर्म्स कंसिडर करोगे, फॉर फाइव टर्म्स, अगर फाइव टर्म्स के लिए बोला हुआ है तो क्या आएगा, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, पांच टर्म के लिए हो। इसी तरह से फॉर सिक्स टर्म्स के लिए दिया हो तो क्या आएगा, a माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी एंड ए प्लस फाइव डी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टर्म्स के लिए। फॉर सेवन टर्म्स के लिए बोला जाए, सम गिवन है, सम नोन है, तो आप सेवन टर्म्स क्या मानोगे, a माइनस थ्री डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह से आप सम कंसिडर करोगे टर्म्स के लिए। अब ध्यान से देखना, जब थ्री फाइव सेवन, जब ऑड टर्म्स का सम आ रहा है थ्री फाइव सेवन, तो डिफरेंस हमेशा d आ रहा है, d का डिफरेंस है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे d आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करोगे तो d आएगा। लेकिन जब इवन टर्म का सम आ रहा है फोर और सिक्स आ रहा है जैसे, तो जो डिफरेंस ऑफ द टर्म्स है वो टू डी का आ रहा है, इसमें और इसमें टू डी का डिफरेंस है, टू डी का डिफरेंस है, टू डी का, तो डिफरेंस इज टू डी। तो ये ध्यान रखना, ये थ्री फोर फाइव क्या आपने लेट करना है सम, जब सम दिया होता है तो ये टर्म्स आप ये कंसिडर करोगे। अब इसके बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। अब हमने कुछ प्रॉब्लम लिखे, फाइंड द थ्री टर्म्स इन एपी, एपी में तीन टर्म्स निकालनी है, हूज सम इज गिवन, सम 21 है एंड प्रोडक्ट इज 315, तो सेम है, क्या बताया मैंने, तीन टर्म्स क्या करोगे, लेट द थ्री टर्म्स इन एपी, हम एपी में तीन टर्म्स कंसिडर करेंगे, क्या मानेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, सम गिवन है तो ये टर्म्स मानोगे, देयरफॉर तीनों का सम दिया हुआ है, ऐड करो तीनों को, a प्लस डी इक्वल टू 21, डी से डी क्या हो गया कैंसिल, 3a इक्वल टू 21 एंड a की वैल्यू आ गई यहां से निकाल ली 17। तो सम गिवन होता है तो इस तरह से टर्म्स मान के आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट इज 15, अगर इन तीनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूं, a माइनस डी इंटू ए, ए प्लस डी इक्वल टू 315, प्रोडक्ट 315 के बराबर है, a की वैल्यू पता हमें 7 माइनस डी इंटू 7, 7 प्लस डी इक्वल टू 315, a माइनस बी, ए प्लस बी, यहां पे फॉर्मूला यूज कर दो इन दोनों टर्म्स में, तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस 7 को मैं इस तरफ ले आया डिवाइड, तो डिवाइड किया आपने 49 माइनस बी स्क्वायर
सेवन फोर जार 28, 3 सेवन फाइव जार 35, ठीक है। एक तरफ ले आओ 49 माइनस 45 इक्वल टू डी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एंड डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2। तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली और डी की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, दो वैल्यूज हो सकती है। हम लिखेंगे व्हेन डी इक्वल टू 2, अगर जब डी 2 है ये तो हमें पता ही है, तो पहली टर्म क्या होगी 7 माइनस 2 5, ए 7, 7 प्लस 2 9। तो जब डी 2 होगा तो टर्म्स क्या होंगी 5, 7, 9, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर व्हेन डी इक्वल टू माइनस 2 तो टर्म उल्टा हो जाएगा 9, 7, 5, तब भी बात वही रहेगी, यहां पे ए 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी की जगह 2 पुट करो 7 प्लस 2 9 7 एंड 5। तो दीज आर द टर्म्स 5, 7, 9, लेकिन ये कब होगी जब डी 2 होगा, और जब डी माइनस 2 होगा टर्म्स क्या होंगी 9, 7, 5। तो इस टाइप का क्वेश्चन सम ऑफ टर्म्स का दिया हो तो उसको आप इस तरह से इवेल्युएट करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द फोर टर्म्स इन, पहले तीन था अब क्या है फोर टर्म्स इन एपी, यहां पे भी सम गिवन आपके पास, लेकिन पहले प्रोडक्ट था अब क्या है सम ऑफ हू स्क्वेयर्स इज 120, थोड़ी सी चेंज है स्टेटमेंट। तो काम वैसे ही करना हमें, लेट द फोर टर्म्स इन एपी आर, हम मान के चलते हैं क्या है फोर टर्म्स के लिए क्या लेते हैं ए माइनस डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। जब चार टर्म्स मानोगे तो आपके ये चार टर्म्स ये कंसिडर हो गए ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। अब हमें क्वेश्चन में सम दिया हुआ है तो अगर हम इन चारों टर्म्स को ऐड करें ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी, इन सब का सम हमें दिया हुआ है 20 को। अब यहां पे 3d प्लस का है 3d माइनस का है, d माइनस का है d प्लस का, कैंसिल हो गया। अब आपके पास a बच रहा है 4a के बराबर, डिवाइड किया तो आपके पास a की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली दैट इज 5। तो आपने सम से a निकाल लिया आपने। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, सम ऑफ हूज स्क्वेयर्स, अगर इन नंबर्स का स्क्वेयर्स लो है a माइनस 3d का स्क्वेयर प्लस a माइनस डी का स्क्वेयर प्लस ए प्लस डी का स्क्वेयर ए प्लस थ्री डी का स्क्वेयर। अब इन सब नंबर्स के स्क्वेयर्स का सम करूं मैं तो वो किसके बराबर दिया हुआ है 120 का। अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, फॉर्मूला यूज किया। अगला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, इसी तरह से आगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, आगे भी सेम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल टू 120। अब जो टर्म कैंसिल होती हैं वो कैंसिल हो गए, माइनस 6ad प्लस 6ab, माइनस 2ad प्लस 2ab, ए कितनी बार आ रहा है दैट इज 4 टाइम 4a² और ये 9, 10d, 11 एंड 20, तो 20d² इज इक्वल टू 120। अब ए की वैल्यू आपको पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो ए स्क्वेयर कितना आ जाएगा 25 प्लस 20d² इज इक्वल टू 120, 20d² इज इक्वल टू 120 माइनस 100 आ, तो 20d² इक्वल टू 20, तो d² इज इक्वल टू 1। अब d की वैल्यू क्या आ गया आपके पास प्लस माइनस 1। अब जब d प्लस माइनस 1 है तो हम बाकी नंबर्स निकाल सकते हैं क्योंकि a आपको ऑलरेडी पता है, व्हेन d इक्वल टू 1, जब d प्लस 1 लेते हैं हम, a हमें 5 पता है, d प्लस 1 होगा तो क्या होगा 5 माइनस 3 दैट इज 2, फिर 5 माइनस 1 दैट इज 4, फिर 5 प्लस 1 दैट इज 6, फिर 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो नंबर्स क्या होंगे 2, 4, 6, 8, जिनका सम ये होगा और सम ऑफ स्क्वेयर्स 120 होगा।
इसी तरह से दूसरा व्हेन डी इक्वल टू माइनस वन, जब डी माइनस वन होगा तो नंबर उल्टे हो जाएंगे, वैल्यूज पुट करोगे तो 8, 6, 4, 2 तब नंबर सही बनता है। तो डी वन है तो ये नंबर होंगे और जब डी माइनस वन है तो ये नंबर होंगे। तो ये तीन टर्म्स और चार टर्म्स के लिए पूछा था, पांच टर्म्स के लिए भी हो सकता है, छह टर्म्स के लिए भी हो सकता है, कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। तो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और अर्थमेटिक मीन में ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। आज के लिए इतना काफी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।